देश का नाम इंडिया की जगह भारत करने की मांग जोर पकड़ती दिख रही है, तो वहीं सरकार की मंशा भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसको लेकर रेल मंत्रालय ने केंद्रीय कैबिनेट को प्रस्ताव भेजा है। इसमें इंडिया को हटाकर देश का नाम भारत करने की बात कही गई है। मंत्रिमंडल को भेजा गया ये इस तरह का पहला प्रस्ताव है जिसमें ये मांग उठाई गई है। सूत्रों ने बताया कि आने वाले दिनों में सरकारी कागजात में इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल बढ़ने वाला है। उन्होंने कहा कि संविधान में इंडिया और भारत दोनों ही नामों का जिक्र है, ऐसे में अगर भारत नाम का प्रयोग बढ़ाया जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। इस मामले को लेकर बीते कई दिनों से राजनीति भी गरमाई हुई है। इंडिया और भारत से जुड़े विवाद ने उस वक्त भी तूल पकड़ा था जब G20 डिनर के लिए भेजे गए नियुक्ति पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। ये निमंत्रण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजा गया था। इतना ही नहीं, G20 समिट में नेम कार्ड पर देश का नाम भारत ही लिखा था। हाल ही के दिनों में जो ऑफिशियल रिलीज सामने आए हैं उनमें भी भारत का बढ़ता इस्तेमाल देखा जा सकता है। NCERT की ओर से गठित समिति ने भी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में इंडिया की जगह भारत करने की बात कही है। इस सुझाव पर विपक्ष के कई दलों के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। इंडिया की जगह भारत करने के मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा इतिहास बदलना चाहती है और ऐसे हताशा भरे कदम उठा रही है क्योंकि उसे विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया से हार का डर सता रहा है। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा है कि इंडिया शब्द उतना ही गौरवशाली है जितना कि भारत, लेकिन सत्तारूढ़ दल और सरकार एक पूरी पीढ़ी को उस शब्द से नफरत करने की शिक्षा देना चाहती है जिसके प्रति हम बहुत गर्व महसूस करते हुए बड़े हुए हैं। वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि नाम बदलना सिर्फ ध्रुवीकरण का प्रयास मात्र है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने कहा कि इंडिया गठबंधन के गठन के बाद से ये भाजपा शासन की एक उन्मादी प्रक्रिया रही है। उन्होंने दावा किया कि अगर इंडिया गठबंधन अपना नाम बदलकर भारत कर लेता है तो क्या वे देश का नाम बदलकर जम्मू द्वीप या फिर कुछ और रख देंगे।